भाई अभी फिलहाल मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ। पीछे ये हमारे मस्जिद मस्जिद तो दिखाई नहीं दे रही, और ये जो रोजा है ना भाई, मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के साथ करूँ आप लोगों के साथ, ब्लॉग के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बज रहे 3:15 और 3:15 हमारे यहाँ पर अजान देने लगता है भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द लाइफ इंस्टीट्यूट चैनल। सो गाइस अभी सही हो गया है मेरा, अभी जाना नमाज पढ़ने, अभी बज रहे 4:35, तो जाना है मेरे को। सबको बताया था कि सब कुछ दिखाऊंगा आज। मैं अकेला था, सामने दो बंदी जा रहे, बंदी नहीं यार। गाइस अभी फिलहाल मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ। पीछे ये हमारे मस्जिद मस्जिद तो दिखाई नहीं दे रही, और ये जो रोजा है ना भाई, मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के साथ करूँ आप लोगों के साथ, ब्लॉग के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ठंडे में पड़ रहा है ये वाला रमजान महीना, सो अच्छा है भाई, जो पानी पीने का इरादा नहीं आएगा। सो हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन घूमने जाएंगे ब्रिज के साइड पे, मतलब पैदल पैदल चले जाएंगे 2-3 जन मिलके कैमरा लेके। एक और बात कि मैं सोने वाला हूँ 6 बजे, क्योंकि मेरे को वीडियो जो है वो एडिट कर लिया था, लेकिन अपलोडिंग टाइम वो वाला मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा, पीसी ऑन ही हो रहा है। सो गाइज अभी मेरा जो है भाई काम पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी बज रहे भाई 5:34। सो मेरे को अभी सोना है भाई, रेस्ट लेना है थोड़ा। तो गाइज कैमरे के साथ पूरे सात घंटा बाद अभी बज रहे 1:30 हो जाएगा। मैं मतलब उठ गया था, उसके बाद सरेंडर में सब कुछ कंप्लीट करके मैं जा रहा था भाई नमाज पढ़ने के लिए। अभी तो आ गया भाई, खाना कमाना कुछ तो नहीं करूँगा भाई, ये रोजा करूँ आपको तो पता ही है, सो मजा कर रहा हूँ भाई। तो 3 बजे के नमाज पढ़ने के बाद मैं सोच लिया हूँ भाई क्या क्या करना है, कि मेरे को जाना है भाई जो भाई मुँह फ्रेश करने के लिए, हम उसको बंगाली में बोलते हैं दातुन, मेरे को दातुन करना है, तो उसके लिए ले जाना पड़ेगा नीम के डाल से वो करता है। सो अब बता दो भाई कि हिंदी को उसको क्या बोलते हैं। सो गाइस ऐसा एक ब्लॉग हो रहा है जो कि मैं कैमरा के साथ कर रहा हूँ रमजान महीने के, जो आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये मेरा फर्स्ट लाइफ पे ऐसा हो रहा है, और ठंड के मौसम ये वाला रोज हो रहा है। तो आपके साथ कैसा हुआ ना वहाँ आप बताना कमेंट। तो गाइस अभी बज रहे 3:15 और 3:15 हमारे यहाँ पर अजान देने लगता है भाई, और दे भी रहा है अभी। तो फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और हाँ मेरे को दातुन में नहीं आना है उसके साथ ही। सो मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगा, मोबाइल लेके नहीं जाऊँगा। तो फटाफट आते हैं भाई, इतना के टाइम पर आपको तो ब्लॉग नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई फैमिली के साथ इतना करूंगा, सो तो दिखा नहीं सकता, रात को ब्लॉग एंड करूंगा भाई। भाई देखो मैं जा रहा हूँ भाई लेने के लिए, और आते टाइम में बात करता हूँ मैं। देखो गाइस ये दातुन, इसको बोलना दातुन, तो आपको वहाँ पर भाई क्या बोलते हो, डंडी मंडी क्या बोलते हो बताओ। सो इसको अभी करना हूँ मैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं भाई, तो दांत पूरा क्लीन हो जाता है। ये अच्छा अच्छा है भाई, जिस जो चीज है ये अच्छा है, और आज घर में इतर नहीं है, मस्जिद में इतर है, और इन्विटेशन है, तो हमको जाना पड़ेगा भाई, हमको नहीं भाई पूरे गांव को लोग को जाना पड़ेगा। और मैं जो घूमते घूमते चला गया था आई डोंट न्यू रेल ब्रिज, तो ट्रेन तो देख नहीं पाया, लेकिन ट्रेन में जब जा रहा था तब चला गया था। सो घूम लिया भाई, वहाँ पर 3-4 लोग जो है अभी भी काम कर रहे हैं, मेरे पहचान कई लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं मेरे, तो बोल रहे कि अभी एक मास एक महीना बाद चले जाएंगे। तो वही कुछ बात था गाइस, जनाओ गन हो रहा है, देखो सुनो, फिलहाल जो है मैं रेडी हो गया, अभी टोपी पहनने का बाकी है। सो अभी बज रही है 5:32, सो मैं भागता हूँ यार, जल्दी जल्दी बुला रहे हैं भाई। रोजा का दिन है, वो मैंने कैसे बिताया आपको तो सब कुछ मैंने दिखा दिए, और आज का ब्लॉग यहीं पर मैं खत्म कर देता हूँ। सो गाइस हाँ, आज का ब्लॉग इतना ही, आई होप यू दिस ब्लॉग वाज अच्छा, तो लाइक कर देना, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गाइस बाय बाय। सो गाइस कल जो है ना मैंने चांद नहीं देख पाया था, आपको भी नहीं दिखा था, तो ये रहा चांद, आपको शायद फोकस हो रहा है, देखो भाई चांद भाई इतना ज्यादा क्यूट ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, भाई बहुत ज्यादा स्वीट है भाई, ये चांद दिखाई नहीं देता।